नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और इस एफटीआर सेशन में मैं डील कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूं, एफटीआर के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ प्रश्न बिलासपुर संभाग। लेकिन इन प्रश्नों पर पहुंचने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से आप सभी के लिए करा रहे हैं हर एक इतवार को 11 बजे टेस्ट। और इस टेस्ट में आपको शामिल होने के लिए क्या करना है, तो आप सभी को रजिस्टर कर लेना है शुक्रवार की रात तक हमारे वेबसाइट पे, ताकि आप इस टेस्ट को दे सके। कब? तो संडे के दिन। तो ये हो गया अनाउंसमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, तो प्रश्नों पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल अमेरिकापा डैश और डैश नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मैप के माध्यम से। यह मैप है किसका, तो बिलासपुर संभाग का। जिले देख लेते हैं, तो है मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि अमेरिकापा कहाँ है। तो इस बिलासपुर जिले की सीमा पर लगा हुआ है यह अमेरिकापा। इसे और क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसी को ताला गांव भी कहते हैं। अब अगर नदियों की बात करें, तो पहली नदी है शिवनाथ, जिसका उद्गम कहां से, तो राजनांदगांव जिले से। और दूसरी नदी कौन सी, तो है मनियारी नदी। और यह जो मनियारी नदी है, इस नदी का उद्गम कहां है, तो सिहावल सागर, इस मुंगेली जिले में। तो दो नदियों को देखा, एक देखा शिवनाथ और दूसरी उसकी सहायक नदी मनियारी। और इन दोनों नदियों का संगम कहां पर, तो अमेरिकापा या तालागांव के नजदीक। अमेरिकापा के संदर्भ में दो और चीजों को याद रखना, एक तो यहीं से प्राप्त हुई है फेमस रुद्र शिव की प्रतिमा, और यहीं पे है देवरानी जेठानी मंदिर। तो अमेरिकापा के संदर्भ में क्या देखा, तो शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम के नजदीक, और अमेरिकापा से ही प्राप्त हुई है रुद्र शिव की प्रतिमा, और यहां पर स्थित है एक प्राचीन मंदिर, नाम है क्या, देवरानी जेठानी मंदिर। अब प्रश्न पर वापस आ जाएंगे, तो कौन कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक है शिवनाथ और दूसरी है मनियारी नदी। शिवनाथ और मनियारी दी हुई है ऑप्शन सी में, और इसीलिए ये जो ऑप्शन सी है यह सही उत्तर है आपके पहले प्रश्न का। अब पहले प्रश्न के बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। झोझा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के डैश जिले में स्थित है। ऑप्शन क्या है, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब देखिए, ये है हमारा बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग में अगर मैं प्रमुख जलप्रपातों की बात करूं, तो इस रायगढ़ जिले में एक जलप्रपात है, नाम है क्या, राम झरना। कोरबा जिले की बात करूं, तो यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। पहला क्या है, तो है केंदई, और दूसरा क्या है, गोविंद कुंद जलप्रपात। इसके बाद ध्यान रखना, इस गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक जलप्रपात है जिसका नाम है झोझा जलप्रपात। क्या नाम है इस जलप्रपात का, तो नाम है झोझा जलप्रपात। तो देखिए,
झोझार जलप्रपात हमने कहां पे देखा है? तो इस जलप्रपात को हमने देखा है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। और यह जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह हमारे दूसरे प्रश्न का है सही उत्तर है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें क्या करना है तो सही मिलान करना है। तो एक तरफ तो है कुछ पर्वत और दूसरे तरफ है जिले। तो पहला है फुटका देवराही, फिर है दलहा, फिर है सिरोली डोंगरी, फिर है खोडरी खोंसरा। जिलों में क्या है तो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर है कोरबा, फिर है जांजगीर चांपा और फिर है रायगढ़। देखिए, अगर इस बिलासपुर संभाग में कुछ प्रमुख पर्वतों या पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट में से है एक पलमा पहाड़। और पलमा जो पहाड़ है यह किस जिले में? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इसके बाद एक है दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ कहां पर है? तो जांजगीर चांपा जिले में। इसके बाद एक श्रृंखला है जिसका नाम है फुटका देव राही। कहां पर है फुटका देव राही? तो है कोरबा जिले में। इसके बाद एक पर्वत है, नाम है क्या? तो नाम है सिरोली डोंगरी। कहां पर है सिरोली डोंगरी? तो रायगढ़ जिले में। इसके अलावा इसी गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक और पर्वत, नाम है क्या? तो नाम है खोडरी खोंसरा। तो हमने क्या देखा? पलमा और खोडरी खोंसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही में, दलहा देखा जांजगीर चांपा में, फुटका देवराही कहां देखा है तो इस श्रेणी को हमने देखा है कोरबा में, सिरोली डोंगरी कहां देखा तो सिरोली डोंगरी देखा रायगढ़ में। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे कि रायगढ़ में ही है क्या? तो आपका कबरा पहाड़। इसके अलावा मैकल श्रेणी का विस्तार आपको कहां देखने को मिलेगा? तो थोड़ा सा इस मुंगेली जिले में, इसके अलावा थोड़ा सा गौरेला पेंड्रा मरवाही में। तो ऐसे तो अनेकों हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ बता दिए जो कि मुझे लगे इंपॉर्टेंट। अब वापस आ जाए प्रश्न पे। तो हमने फुटका देवराही कहां देखा? तो कोरबा में। दलहा देखा जांजगीर चांपा में। सिरोली डोंगरी को देखा है रायगढ़ में। खोडरी खोंसरा को देखा है कहां? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। अगर पेयरिंग कर दें तो क्या हो गया? ए टू बी थ्री सी फोर और डी वन। और यह ए टू बी थ्री सी फोर और डी वन कहां दिया है? तो दिया है ऑप्शन क्रमांक सी में। और इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है यह सही उत्तर होगा हमारे तीसरे प्रश्न का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है सही मिलान करने के लिए, जिसमें एक ओर तो है वन्य जीव अभयारण्य और दूसरी ओर है जिले। पहला है अचानक मार, फिर है गोमरडा, उसके बाद है बादल खोल और फिर है सेमर सोत अभयारण्य। यह मैप है छत्तीसगढ़ का। इस छत्तीसगढ़ के मैप में यह है जिला मुंगेली और इस मुंगेली जिले में एक अभयारण्य, नाम है क्या? तो नाम है अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद यह है हमारा रायगढ़ जिला, जिसमें एक अभयारण्य, क्या नाम है? तो नाम है गोमरडा वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद सरगुजा संभाग में चले तो जशपुर जिले में है बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य और इस बलरामपुर जिले में है सेमर सोत वन्यजीव अभयारण्य। बादल खोल के संदर्भ में याद रखना कि इसका गठन हुआ है वर्ष 1975 में और 105 वर्ग किलोमीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। वापस प्रश्न पे आ जाएं तो इस अचानक मार का मिलान हो सकता है मुंगेली से। गोमरडा जो है इसका मिलान कहां से होगा? तो होने वाला है रायगढ़ से। बादल खोल का होगा जशपुर से और सेमरसोत का होगा बलरामपुर से। तो अगर पेयरिंग करें तो क्या हुआ? A3, B1, C2 और D4।
क्या हुआ A3, B1, C2 और D4। और यह किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है A3, B1, C2 और D4, और इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है यह होने वाला है हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2005 में अमरकंटक अचानक मार को बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद ध्यान रखना, यह भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का था पहला। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 3835.5 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से छत्तीसगढ़ में आता है 26.5 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद और बता दूं, इसे यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया वर्ष 2012 में। कब शामिल किया गया, तो वर्ष 2012। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स को। तो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है। दूसरे स्टेटमेंट को देखो तो लिखा है इसे 2005 में बायोस्फीयर के रूप में घोषित किया गया था, तो यह भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा स्टेटमेंट, जब घोषित किया गया तो यह भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व था, यह भी बता चुका हूं कि भारत का 14वां था, छत्तीसगढ़ का पहला, इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी सही। चौथा स्टेटमेंट, इसे मैन और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है, तो यह भी मैंने आपको बता दिया, वर्ष 2012 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसे किया गया शामिल वर्ष 2012 में, इसलिए यह चौथा स्टेटमेंट भी है सही। और हमें क्या बताना था, हमें बताना निम्न में से कौन सा कथन सही। तो यहां पर हमने देखा कि असल में चारों कथन सही हैं, मतलब उपरोक्त सभी कथन जो है वह सही है। और यह किसमें दिया है, तो दिया है ऑप्शन सी में, और इसीलिए यह जो ऑप्शन सी है यह होने वाला है आपके पांचवें प्रश्न का सही उत्तर। अब हम आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो देखिए, इस बिलासपुर संभाग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहले इस मुंगेली जिले में मनियारी नदी के ऊपर है मनियारी, जिसे और कहते हैं खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना। उसके बाद इस बिलासपुर जिले में अरपा नदी के ऊपर एक परियोजना, नाम है क्या, भैंसा झार परियोजना। अब इसी अरपा की एक सहायक नदी जिसका नाम है खारंग नदी, और इस खारंग नदी के ऊपर एक परियोजना, नाम है क्या, तो नाम है खूटा घाट परियोजना, या इसी को कहते हैं क्या, तो संजय गांधी परियोजना। उसके बाद इस कोरबा जिले में हसदेव नदी के ऊपर है मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना, और इस रायगढ़ जिले में केलो नदी के ऊपर है केलो, जिसे और कहते हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मुंगेली में मनियारी नदी के ऊपर मनियारी, जिसे खुड़िया और राजीव गांधी परियोजना भी कहा गया। अरपा नदी के ऊपर हमने देखा इस बिलासपुर जिले में भैंसाझार परियोजना, अरपा की सहायक खारंग है, मैंने बताया खारंग के ऊपर खूटा घाट या संजय गांधी परियोजना। हसदेव नदी के ऊपर इस कोरबा में हमने देखा है मिनी माता परियोजना, और केलो नदी के ऊपर इस रायगढ़ में देखा हमने केलो या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अब ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत के 99 नदी घाटी परियोजनाओं को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से 3 हैं छत्तीसगढ़ के। उसमें पहला है केलो या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, उसके बाद दूसरा है
खूटा घाट या संजय गांधी परियोजना, और तीसरी परियोजना है मनियारी, जिसे हम खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न पर वापस आए तो हमने क्या देखा, राजीव गांधी, संजय गांधी और दिलीप सिंह जुदेव ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें शामिल किया गया है इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, हसदेव बांगो और भैंसाझार को नहीं किया गया है शामिल। मतलब राजीव गांधी परियोजना दी गई है ए में, संजय गांधी परियोजना दी गई है बी में, और दिलीप सिंह जुदेव परियोजना दी गई है सी में। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें दिया हो ए, बी और सी, और आप देखिए ऑप्शन सी में ही यह दिया है ए बी सी, इसीलिए इस छठे प्रश्न का सही उत्तर जो है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा छठवा प्रश्न। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है खोंदरा पक्षी अभ्यारण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। तो देखिए वैसे तो खोंदरा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ही स्थित है, लेकिन खोंदरा जो है वह पक्षी अभ्यारण नहीं, एक डियर पार्क है, इसलिए यह पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में कोटमी सोनार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मगरमच्छ संरक्षण से संबंधित क्षेत्र है। तो वर्ष 2006-07 से मगरमच्छ संरक्षण के लिए क्या किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के वन विभाग के द्वारा जांजगीर चांपा के इस कोटमी सोनार में एक तालाब है जिसका नाम है मुड़ा तालाब, और मुड़ा तालाब में किया जा रहा है मगरमच्छ संरक्षण, और इसीलिए यह स्टेटमेंट सही। तीसरा स्टेटमेंट, लेमरू हाथी अभ्यारण का प्रमुख विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। तो मैं आपको बता दूं वर्ष 2019 में इसे घोषित किया गया था लेमरू अभ्यारण को, और इसका जो प्रमुख विस्तार है वैसे तो कोरबा जिले में है, लेकिन इसका विस्तार थोड़ा सा रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ तहसील के अलावा सरगुजा जिले में भी है, लेकिन बात करें अगर प्रमुख विस्तार की तो यह कोरबा जिले में है, और यह स्टेटमेंट इसलिए सही। एक बात और बता दूं, यह जो लेमरू अभ्यारण है इसे कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। कम्युनिटी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें पशुओं के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण का निर्माण हुआ है वो तो होगा, लेकिन उसके लिए किसी भी ग्राम का विस्थापन नहीं किया जाएगा। तो ग्राम जो है विस्थापित नहीं होंगे, लेकिन हाथियों के संरक्षण का काम उस अभ्यारण में जरूर किया जाएगा। तो इस प्रकार का होता है कम्युनिटी रिजर्व। चौथा स्टेटमेंट है अचानक मार अभ्यारण क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण है। देखिए अगर रैंकिंग की बात करें क्षेत्रफल में तो पहला जो है वह कौन सा है, तो है तमूर पिंगला अभ्यारण। क्षेत्रफल कितना है तो 608 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है धमतरी जिले का सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण 559 या 559 वर्ग किलोमीटर के साथ, और तीसरे स्थान पर है मुंगेली जिले का अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण, और इसका क्षेत्रफल है 552 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर क्या दिया है स्टेटमेंट में, अचानक मार अभ्यारण क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण है, लेकिन हमने रैंकिंग में देखा कि यह दूसरा नहीं तीसरा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, और इसीलिए यह स्टेटमेंट होने वाला है गलत। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कौन से कथन गलत है। तो हमने देखा पहला कथन और चौथा कथन गलत है। अब देखिए हमें कैसा ऑप्शन चाहिए जिसमें लिखा हो 1 और 4। क्या ऑप्शन ए ऐसा है इसमें 1, 2, 4 दिया है, ये नहीं ले सकते। ऑप्शन बी देखिए इसमें 2, 3, 4 दिया है, यह भी नहीं ले सकते। ऑप्शन डी देखिए इसमें सिर्फ 1 दिया है तो यह भी नहीं लिया जा सकता। तो बच गया क्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि होने वाला है सही उत्तर इस सातवें प्रश्न का। अब हम आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। इसमें भी सही मिलान करना है, एक और जिले दिए हैं, दूसरे और दिए हैं मंदिरों को। तो पहला है बिलासपुर जिला, फिर है जांजगीर चांपा, फिर है गौरेला पेंड्रा मरवाही, और फिर है कोरबा जिला। मंदिर में है डिडनेश्वरी देवी मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर, और है मां सर्वमंगला मंदिर। तो देखिए सबसे पहले है इस बिलासपुर संभाग का गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, और इस जिले में मध्य प्रदेश बॉर्डर से बहुत नजदीक है ज्वालेश्वर महादेव मंदिर।
इसके अलावा है इस बिलासपुर जिले में मल्हार लीलागर नदी के तट पर, और इस मल्हार में है क्या, तो है डिडनेश्वरी देवी मंदिर। इसके अलावा इस जांजगीर चांपा जिले में है खरौद, और खरौद में है क्या, तो लक्ष्य मणेश्वर महादेव मंदिर, और इस कोरबा जिले के कोरबा में है मां सर्व मंगला मंदिर। तो हमने क्या देखा, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर कहां पर, तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में, डिडनेश्वरी देवी मंदिर बिलासपुर जिले में, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर जांजगीर चांपा जिले में, और कोरबा जिले में हमने देखा है मां सर्वमंगला मंदिर। प्रश्न पर अगर वापस आए तो बिलासपुर का मिलान हो सकता है डिडनेश्वरी देवी मंदिर से, जांजगीर चांपा का लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर से, गौरेला पिंडरा मरवाही का ज्वालेश्वर महादेव मंदिर से, और कोरबा का मां सर्वमंगला मंदिर से। तो पेयरिंग करें तो क्या आया, A1, B2, C3 और D4, और यही A1, B2, C3, D4 दिया है ऑप्शन ए में, और इसीलिए ऑप्शन ए जो है यह है आपके आठवें प्रश्न का सही उत्तर। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नौवें प्रश्न पे। नौवें प्रश्न पे भी क्या करना है, तो सही मिलान करना है, पर इस बार जो है एक और जिले हैं तो दूसरी ओर है औद्योगिक क्षेत्र। तो जिलों में क्या है, तो बिलासपुर है, बिलासपुर के पूर्व की ओर जांजगीर चांपा, बिलासपुर के उत्तर की ओर का गौरेला पेंड्रा मरवाही, और है इस संभाग का सबसे पूर्वी जिला रायगढ़। तो मैप के माध्यम से देखें तो इस गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र क्या नाम है, अंजनी। क्या नाम है, अंजनी। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में तो सब जानते होंगे, क्या है तो तिफरा, फिर क्या है तो सिर गिट्टी है, उसके बाद क्या है तो है सिल पहरी। ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिलासपुर जिले से। उसके बाद जांजगीर चांपा से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो है पहले कापन, फिर है बारा द्वार। इस रायगढ़ जिले से इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला है लारा, और उसके बाद क्या है तो है सियार, पाली और महुआ पाली। तो क्या देखा, अंजनी गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से, बिलासपुर से तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, उसके बाद हमने देखा जांजगीर चांपा से कापन बाराद्वार, और रायगढ़ से देखा है लारा और सियार पाली मऊहा पाली। अब वापस प्रश्न पे आ जाएं, तो बिलासपुर को मिला सकते हैं सिरगिट्टी से, जांजगीर चांपा बाराद्वार से मिल सकता है, गौरेला पिंडरा मरवाही अंजनी से, और रायगढ़ जो है सियार पाली मऊहा पाली से। अब अगर पेयरिंग करें तो है A4, B3, C2 और D1, A4, B3, C2 और D1, और यह जो पेयर है A4, B3, C2, D1 दिया है कहां, तो ऑप्शन क्रमांक D में, और इसीलिए ऑप्शन D जो है यह सही उत्तर होने वाला है हमारे नौवें प्रश्न का। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न है दसवां प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाना है निम्नलिखित नदियों को। तो पहली है अरपा नदी, दूसरी है केलो, तीसरी मनियारी, और उसके बाद है लीलागर नदी। तो अगर उत्पत्ति की बात करूं तो इस मुंगेली जिले के सिहावल सागर से उत्पत्ति है इस मनियारी नदी की, मैं म लिख देता हूं। इसके बाद गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के खुडरी खोंगसरा से उत्पत्ति है इस अरपा नदी की, मैं अ लिख देता हूं। इसके बाद एक नदी जिसका उद्गम कहां से, तो कोरबा जिले से, नाम है लीलागर, और इसी के तट पर मैंने बताया था मल्हार। उसके बाद चौथी नदी है केलो नदी, उद्गम कहां से, और आप सभी को पता होगा कि रायगढ़ जिले में लुडेंग पर्वत से इसका उद्गम है। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन नदियों को जमा दे, तो सबसे पश्चिम में है मनियारी,
उसके बाद है अर्पा, उसके बाद है लीलागर और उसके बाद है केलो नदी। अब अगर आ जाए प्रश्न पे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तो है मनियारी, तो तीन पे दिए है इसलिए तीन पहले लिख लेता हूं। मनियारी के बाद अर्पा एक पे है इसलिए मैंने एक लिख लिया। इसके बाद है लीलागर जो कि दिया है चार पे, तो मैंने चार लिख लिया। अंततः है केलो जो कि दिया है दो नंबर पे। तो क्रम क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्रम को ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम नहीं कर देना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, तो तीन एक चार और दो, और यह क्रम दिया है किसमें, तो ऑप्शन क्रमांक एक में। तो देखिए एक में दिया है तीन एक चार दो, और इसीलिए यह जो ऑप्शन ए है यही सही उत्तर होने वाला है हमारे दसवें प्रश्न का। तो यह थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग से 10 कुछ कंसेप्चुअल और अच्छे प्रश्न। आप सभी से मेरी मुलाकात होगी अब मेरे अगले वीडियो में दुर्ग संभाग के साथ। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।